वेलकम बैक टू चैनल गाइस एंड होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। और आज है छुट्टी का दिन और आज हम सोच रहे कहीं पे घूमने जाएं और दाढ़ी वाड़ी थोड़ी बढ़ गई क्योंकि सावन चल रहा है तो बाल नहीं कटाने। तो सावन से पहले बिल्कुल बाल बाल मैंने छिला दिए थे तो अभी काफ़ी बड़े हो गए। तो चलिए फटाफट से गाड़ी की तरफ चलते हैं, गाड़ी में सामान लोड करते हैं और उसके बाद निकलते हैं। और हमारे साथ एक और लोग जाने वाले मतलब मेरा एक और फ्रेंड जाने वाला मनीष, वो पहुँचता ही होगा बालकनी में खड़ो 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 के देखना, वो पहुँचते ही होगा नीचे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमने पिकनिक का सामान लगा दिया, चटाई और थोड़ा कुछ खाने पीने का सामान और पानी का बोतल, थोड़ा पिकनिक का सामान यहाँ पर सजा दिया। हम लोग रेडी हो गए, चीकू रेडी हो रहा है, चीकू नींद में रेडी हो जाता है भाई। चीकू गुड मॉर्निंग भाई, उसका सो के उठने का मन नहीं है। अभी 7 बज रहे हैं, उसका 9:30 बजे सो के उठने का टाइम होता है, इस वजह से वो उठ गया है अभी। फाइनली ट्रिप स्टार्ट, इसको स्टार्ट कर देना ना। इस समय चल रहे हैं हुसूर रोड पे, अब इलेक्ट्रॉनिक सिटी क्रॉस करके टूवर्ड्स हुसूर, और यहाँ मेट्रो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अभी हम लोग अनिकल रोड पे हैं, अनिकल मेन रोड, चंदापुर अनिकल मेन रोड, और अभी यहाँ से 2 घंटा और मतलब 83 किलोमीटर है। हम ऑलमोस्ट गांव के अंदर है, यहाँ से अभी 73 किलोमीटर है। ये कौन सा गांव है? डोडे करे गांव है, डोडा करे। हाँ तुम भी आ जाओ। तो एक्चुअली ये रोड यहाँ पे ये जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक है, जा नहीं पा रहे हम लोग। बसेस उधर से आ जाती हैं तो थोड़ा सा साइड देना पड़ता है। अदर 70 किलोमीटर और अब रोड बहुत अच्छी होगी, डबल लेन, यहाँ पे गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है। ये तो बहुत सही है, मज़ा आ रहा है। और लग रहा है दोनों तरफ ग्रीनरी और फूल के खेत है, यहाँ पे फूल उगा रखे हैं और साथ में ऐसे ऐसे पेड़, मजा आ रहा है। तो अभी हम आ गए गुलमालापुरम चेक पोस्ट पे, बट यहाँ पे किसी ने रोका नहीं हमें, रोक के हमें पूछा नहीं कुछ भी। ब्रेकफास्ट करने के लिए उठे श्री श्री बसवेश्वरा होटल, यहाँ पे अच्छा मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिया हो। इडली थोड़ी सी अलग है, ये सिर्फ चावल की नहीं है, इसमें पूरा दाल जाता है। चिकू काय काउ को हाय कर दो। हाय काउ, इसको रेगुलर कभी काउ देखने को मिलती है नहीं ना। काउ कैसे बोलती है? काउ कैसे बोलती है? काउ कैसे बोलती है? हाय नहीं। 30 रुपए प्लेट इडली, एक प्लेट में 4। और कितना चाय का? चाय का 96, उसमें पकौड़े भी लगाए हैं उसमें 30 में, मतलब 2-3 पकौड़े और 10 रुपए का एक पकौड़ा, 2 चाय। अच्छा अच्छा, चाय उसी में, चाय भी उसी में। ओ मैं बहुत रीजनेबल प्राइस था, बहुत ही। हाँ नीचे नहीं नहीं नहीं, तुम नीचे नहीं उतर पाओगे, चोट वोट लग जाएगी, नीचे उतर के मत जाओ। और हम यहाँ पर रुके थैली लेक के पास, ये लेक है बहुत सुंदर लग रही है, ये इसका बोर्ड है। थोड़ी देर रुक के यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेके फोटो खिंचाएंगे खाना खाने के बाद, बढ़िया सब। अभी हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आ गए, यहाँ पे हमें शायद
पर्ची कटानी पड़ेगी अभी। हाँ यहाँ पे शायद 50 रुपए की पर्ची कटती है। को ले आएंगे तो यहाँ से ये वाला जो रोड है हमें ये वाला ऑफ रोड वाला लेना, और यहाँ पे ये शायद लिखा भी हुआ है डब्बा गुली। रोड बहुत अच्छी नहीं है, बीच बीच में रोड पे वाटर क्रॉसिंग है, स्लश बहुत ज़्यादा है, बट अभी मैनेजेबल है। रुक भी नहीं रहा ना, मारता हुआ चला जाएगा इस तरह पीछे बांध के रखा है। तो सेकंड चेक पोस्ट पे 100 रुपीज़ की पर्ची काटी हम लोग के इन लोगों ने, जिसमें से उसमें लिखा है कि लास्ट कितना 5:30 वापस आना, 6 o'clock वहाँ तो लिखा था, इस पर नहीं लिखा। लास्ट वाले चेक पॉइंट के बाद अब फिर से ऑफ रोड स्टार्ट हो गया, बट ये वाला ज़्यादा बेटर है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है। बेस्ट व्यू, ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए नदी के पास, और बहुत पानी है, बहुत पानी, यहाँ से देखने में मज़ा आ रहा है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए, ठीक ठाक पानी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं है बट ठीक ठाक पानी है, और थोड़ा सा तेज़ भी है बहाव, बट नाइस। हम लोग लोकेशन स्पॉटिंग कर रहे हैं, कहाँ बैठ के खाना बनाया था। करो गैस जलाने का, बस 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 बस, अब इसको ना इधर रख दे, थोड़ा सा एयर आने देना, नहीं तो बुझ ही जाएगा। अरे बहुत एयर है भाई, बस इसको इधर रख दो आप, बस बता एयर आ किधर से रही है पहले ये पता लगाओ। किस तरह ऐसा ऐसा देखिए ना, लेट द एयर फोर्स कम इन, देखिए ना हवा पानी जहां, अभी एक चूल्हा को थोड़ा जमीन में दाब दो अंदर, सिलेंडर ही खत्म हो गया, सिलेंडर लेके आना पड़ेगा। देखो एक सिलेंडर खत्म हो गया, बुक कर दो, घर पे डिलीवर करके जाएगा। अरे भैया दाढ़ी के बाल अभी जल जुला जाएंगे, पूरे हो जाते, कूदना पड़ेगा पानी में, सफेद भी नहीं। खोलेगी चाय भाई, खोलेगी चाय, बाबू के साइड में रखी चाय बन रही है। सबूत में आ रहा है कि मैं ही बनाता हूँ। बनाता नहीं हूँ, बाहर में बाहर बना दी, देखा एक्सपीरियंस तैयार हो रहा है, चूल्हा तैयार कर रहे हैं पहले, अब वो देखो बच्चा टाइल गड़ा रहा है। ये गलत आदमी को दे दिया आपने आज। एक आलू और दीजिए, इतना आलू में नहीं हो पाएगा। आलू क्या सब ले जाए। चाय तैयार हो गई बड़ी मशक्कत के बाद, यहाँ कैसे आलू गिर गया भैया? अरे पूरी गिरस्ती हमारी वो गई यहाँ पे। हेलो बाबा, हेलो भैया, आपको इसमें दे दूँ? हाँ मेरा ग्लास है, एक फुटक निकालेंगे ना चारों ऐसे करते हैं। मैं नहीं, वो तो पलटेंगे, मेरे को दे रही है। जाएंगे बाबा जी थे, हमने उनको चाय देते हैं पीने के लिए। कुछ चीज़ें जो यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, पानी के अंदर नहाना, कपड़े धोना, वॉशिंग, ओ फिशिंग करना और कपड़े धोना, कैंप फायर करना, म्यूज़िक लाउड चलाना, अल्कोहल पीना मना है, और क्रोकोडाइल से बी अवेयर। तो पैर ही ऊपर उठा दे रहा उसका बेचारा। तो हमारे पास अभी एक इशू हो गया, नमक नमक भूल गए हम लोग, सब कुछ लिया नमक भूल गए। हल्दी मसाला सब है यहाँ पे,
हल्दी मसाला कड़ी पत्ता मांगा हुआ नहीं, थोड़ा सा लाल हो जाने दीजिए, खूब डाल दीजिए, मैं डालता अभी हड़बड़ी नहीं, आराम से। मैंने सुना था कि बहुत ही सुंदर जगह, मैं आपको भी दिखाता हूँ, बहुत सुंदर जगह, एक मिनट वेट। बहुत ही सुंदर जगह, मैं आपको भी दिखाता हूँ, बहुत सुंदर जगह, एक मिनट वेट। तो धूप भी ठीक ठाक है, लेकिन बादल भी बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं बीच बीच में, और हम लोग खाना ऑलमोस्ट बन गया है। चिको नंगू पंगू जाओ पानी सुखा के आओ डाइपर में। ये खाना बना है और ये पूरा किचन फैला हुआ है, ये चिको के कपड़े, वो चिको अपने आप ही नहा रहे हैं उसमें। भाई बीच चिको सिटी आएगा तो बंद कर देंगे ना। हाँ हाँ आओ मांग खेल ली, आओ आओ थोड़ा सा इधर घुमा। आप लोगों के फोन से भी वीडियो बनाती हूँ। छपकू बाबा जल्दी ढक दो आप सीधे चेंज कर देंगे ऐसे सीधे अपने हवा में मत रखना। धनिया पत्ता डाल देना। मुंह दिखाई हो रही है, मुंह दिखाई टांडा आ गया, मस्त दिख रहा है, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, सही दिख रहा है। अब इसमें गार्निश कर दे थोड़ा सा। लेकिन बात चीकू क्या कर रहा है, चीकू अपने नहाने के बाद दूध पी रहा है, छाते की चाय में आराम से बैठा है, नमक थोड़ा सा जल गया हल्का सा, बट खाना बढ़िया बना है। अगली बार एक कूल बॉक्स रखेंगे जिसमें बर्फ डाल के, डब गुल्ली के बिल्कुल बगल में ये शिव जी का मंदिर लग रहा है। चलो बर्फ लग रहा है ना, उसको चलने के बाद ऐसा सच्ची में ऐसा लग रहा है अंदर घुस रहा फाइनली अच्छी वाली रोड आ गई है, वो जो ऑफ रोड था वो क्लियर हो गया, मस्त। अब फटाक से पहुँचते हैं घर, भोलेनाथ के दर्शन करने हैं। हर हर महादेव। ओहो फोटो खिंचाने लायक थी जगह, वो डब्बा गुली वो दिख तो रहा है नीचे, वाह। मंदिर बना होगा तो कितना सोचा होगा कि यहाँ पानी का गड्ढा होगा, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाएगा, मंदिर में यूज हो जाएगा। भोलेनाथ ने हमें बुलाया था, बाबा जी के दर्शन भी हो गए। यहाँ से माते डब्बा गुली से वापस बैंगलोर जाते समय तो आप यहाँ पे एक नंदिनी शॉप है, यहाँ पे रुक के चाय पी सकते हैं, इसकी चाय बहुत बढ़िया एक नंबर, और साथ में यहाँ पे कुकीज़ खा सकते हैं। हमने कुकीज़ और चाय ली, बहुत बेहतरीन है यहाँ की। तो वी आर बैक गोपाल जी कैफे में, और हम यहाँ पे खाना खाने आए हैं, और ये दूसरा वाला गोपाल जी कैफे, रेगुलर वाला नहीं जिसके हम जाते हैं। तो ये बज रहे रात के 10:30, और अब हम वापस आ गए घर। चीकू को डिनर कराएंगे, हमने डिनर कर लिया गोपाल जी कैफे में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था चीकू कराएंगे डिनर, उसके बाद आपको खा के बहुत आता है भाई। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप ऐसा और आप वहाँ आपसे मिलेंगे।